Hello, this is Gaurav Chakravarti. I am back with my graphic stone in the channel of the Sony Sky. So first of all, I want to say this sorry for late. मैं अपने पहले वाले वीडियो में मैंने कहा था कि मैं आपका अगले वीडियो में रिकॉर्ड कर दूंगा जल्द से जल्द, पर सॉरी फॉर लेट, कुछ पर्सनल कारण की वजह से मैं इस वाले वीडियो में थोड़ा लेट हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं दो वीडियोस रिलीज करने वाला हूँ। पहले वाले वीडियो में मैंने कहा था कि मैं 3-4 ब्रोशर के बारे में दिखाऊंगा। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दिखाना जरूरी हो गया, जैसे कि मास्क। अब फोटोशॉप में जब काम कर रहे हैं तो मास्किंग बहुत इंपॉर्टेंट, नॉट फॉर फोटोशॉप, फॉर एवरीथिंग वेयर यू विल वर्क लाइक फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, कोरल ड्रॉ। द मास्किंग फॉर द पावर क्लिप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। पावर क्लिप्स आपको मिल जाएगा कोरल ड्रॉ में, और यहाँ मिल जाएगा और इलस्ट्रेटर मिल जाएगा आपको मास्किंग। तो शुरू करते हैं मास्किंग और कुछ फंडामेंटल एफेक्ट्स। सबसे पहले शुरू करते हैं, ओपन करता हूँ फोटोशॉप। ये आ गया हमारा फोटोशॉप। यहाँ पे एक फाइल सेट है, मैं इसे दोबारा आपको दिखाने के लिए कर लेता हूँ। कंट्रोल एफ, रेजोल्यूशन 72 रखते हैं, यहाँ पे 8 GB, जो साइज है वही साइज। तो चलिए हमारा ये सेट। अब हम मास्किंग करें। अब देखिए मास्किंग क्या होता है वो मैं पहले आपको समझाता हूँ। मास्किंग दो तरीके की होती है यहाँ पे, एक तो होता है लेयर मास्क और दूसरा होता है क्लिपिंग मास्क। अब कहाँ पे कौन सा यूज करेंगे ये तो काम के दौरान ही पता लगता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं क्लिपिंग मास्क। सबसे पहले शुरू करते हैं हमारा क्लिपिंग मास्क। अब देखिए किसी एक ऑब्जेक्ट में दूसरा ऑब्जेक्ट को फिट कर देना होता है क्लिपिंग मास्क। मतलब मान लीजिए आप कोई एक ऑब्जेक्ट के अंदर, एक राउंड ऑब्जेक्ट के अंदर एक ह्यूमन फिगर को रखना चाहते हैं, तो वो कैसे करेंगे, क्योंकि वो तो उसके ऊपर ही रहेगा, तो छोटा कर देना, एडजस्ट कर देना, मिटाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले मान लीजिए ये आ गया हमारा एप्लीस ऑब्जेक्ट, तो इसे बड़ा कर लेते हैं छोटे। यहां से हम करेंगे प्लेस। ये आ गया एक मोबाइल का हमारा इमेज। हमें छोटे छोटे दो इमेजेस चाहिए, यहाँ पर एक इमेज, यहाँ पर एक इमेज, पर राउंड शेप में, ताकि हम वहां पे कुछ लिख सके और इसे सिंक्रोनाइज वे में ले आ सके। दोनों लेयर सिलेक्ट कर दीजिए, ऑल्ट दबा के दोनों लेयर के बीच में अगर आप कंसेप्ट को ले जाएंगे तो देखिए इसका ये बदल जाता है शेप। जैसे शेप बदले लेफ्ट क्लिक कर दीजिए, वो उसके अंदर आप पहले वाले लेयर को सिलेक्ट कीजिए और इसे बीच में ले आइए। कंट्रोल टी से आपका सिलेक्शन आ जाएगा, इसे छोटा कर दीजिए ताकि हम इसे सही आकार में ले आए। इसे इस तरफ से बड़ा कीजिए तो आ गया हमारा ये। दोनों को सिलेक्ट कीजिए, अब हम दबा देंगे यहाँ पे ये वाला लिंक वाला ऑब्जेक्ट, ये दोनों एक साथ छोटा कर देंगे। सेट शिफ्ट दबा के करना ताकि प्रोपोर्शन ना बिगड़े, ऑल्ट दबा के देखिए ये आ गया। अब हम नीचे जो भी चाहे लिख दीजिए आपके हिसाब से, अगर आप पोस्टर बना रहे हो, कुछ और बना रहे हो तो वो आपके हिसाब से लिखना है, और आपका एक पोस्टर तैयार हो जाएगा। जैसे कि मैं लिखने वाला हूँ चाहिए तो आप कलर
व्हाइट वाले कलर को फॉरगेटेड में रहने दीजिए और बस लेफ्ट क्लिक में इसे घुमाइए। ये आ जाता है। इस दवा की से रिवर्स कर लीजिए इस कलर को। इस तरह का है। इसे कहते हैं लेयर मास्क। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है।
कि आपसे वैरायटी में कलर में वो वाला जो इस्तेमाल करते बेहतर
not a good reason.